स्वागत है आपका चैलेंज टू लर्न टेली ईआरपी 9 जीएसटी इन इजी स्टेप्स में। मैं नितिन निहारिका टेक्नोलॉजी भोपाल से। आज के वीडियो में हम सीखेंगे परचेज बिल या इनवॉइस कैसे रिकॉर्ड करते हैं, टैली में हम उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे हम उसकी एंट्री करेंगे। किसी भी परचेज बिल को बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है कंपनी की, जो हम बना चुके, आइटम की, वो भी हम बना चुके, सप्लायर लेजर यानी कि जिनसे हम माल खरीदते हैं, एक परचेज अकाउंट के लेजर की, टैक्स लेजर यानी जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी की, और एक राउंड ऑफ का लेजर है जो हम इनवॉइस राउंडिंग में हम यूज करेंगे। तो ये छह लेजर हम बनाना पुराने वीडियोस में सीख चुके हैं। तो आइए टैली में हम देखते हैं कैसे इन लेजर और आइटम को यूज करके हम परचेज इनवॉइस या परचेज को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये टैली ओपन करेंगे। टैली ओपन करने के बाद गेटवे ऑफ टैली में हमें आना होगा ट्रांजेक्शंस में अकाउंटिंग वाउचर्स। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद राइट साइड में देखिए फ्लेक्सिबल बटन पर आने में F9 परचेज, या तो आप इस पर क्लिक करिए या F9 के बटन पे प्रेस करिए। F9 प्रेस करने के बाद आप देखिए इस तरह की परचेज इनवॉइस आपको दिखाई देगी। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर है, डेट है, पार्टी अकाउंट नेम है, करंट बैलेंस है, परचेज लेजर देखिए यहाँ पे आ रहा है और नीचे नेम ऑफ आइटम आ रहा है। टैली हमें दो तरह के इनवॉइस बनाने का प्रोविजन देता है, एक हम आइटम से बना सकते हैं, दूसरा हम लेजर से बना सकते हैं। यानी ये जो मोड है ये आइटम मोड में चल रहा है। अकाउंटिंग मोड में अगर हमें चालू करना है तो अकाउंटिंग इनवॉइस राइट साइड में यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएगा, तो ये अकाउंटिंग इनवॉइस आ जाएगा। वापस से हम आइटम इनवॉइस पे आ जाते हैं। इसके अलावा परचेज इनवॉइस की अगर आपको और सेटिंग करनी है तो सबसे लास्ट में देखिए F12 कॉन्फिगर बटन, इस पर हम क्लिक करेंगे या F12 को प्रेस करेंगे। F12 कॉन्फिगर बटन को प्रेस करने के बाद आपको देखिए तीन ऑप्शन है, यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसको हमें यस करना है। दूसरा ऑप्शन है यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, इसे भी हमें यस करना है। तीसरा ऑप्शन है प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शंस ऑफ स्टॉक आइटम, इसे भी हम यस करेंगे। एडिशनल डिस्क्रिप्शन मतलब कि मैंने स्टॉक आइटम सिलेक्ट किया बट उसमें मैं कुछ लिखना चाहता हूँ कि कितने इंच का है, क्या साइज है, या और भी कोई इन्फॉर्मेशन एडिशनल जो स्टॉक के साथ जब मैंने स्टॉक बनाया हो उस टाइम नहीं लिखी हो, वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ इस ऑप्शन के थ्रू दे सकता हूँ। इसमें और भी ऑप्शन है जिसको आप अपने जरूरत के हिसाब से यस या नो कर सकते हैं। यहाँ पे तीन ऑप्शन आपने यस किए और ऊपर एक इनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल, इसे मैंने यस किया है। इस स्क्रीन को हमें एक्सेप्ट करने के लिए हमें प्रेस करना होगा Ctrl+A। अब देखिए हमें सबसे पहले डेट डालनी है, जिस डेट में आप परचेस कर रहे हो वो हम डेट डालेंगे 23/5/2019। सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो भी इनवॉइस नंबर आपके बिल में लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं LC/231, डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। पार्टी नेम, यहाँ पे मैं सप्लायर सिलेक्ट करूंगा, आपको उस पार्टी का नाम सिलेक्ट करना है जिससे आप माल खरीद रहे हैं, एंटर करेंगे। अदर रेफरेंस में जो भी अगर कुछ देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं और Ctrl+A देके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें परचेज लेजर में हमें सिलेक्ट करना है परचेज अकाउंट। इसके बाद नेम ऑफ आइटम में स्पेस बार देंगे तो यहाँ पे जितने आइटम, स्टॉक आइटम आपने बनाए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमने एक ही आइटम बनाया हुआ है 36 इंच LED LG, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में अगर मैं देना चाहता हूँ कुछ दे सकता हूँ, 2x2 और जो भी कुछ मेरे को देना है मैं उसको दे सकता हूँ। एंटर करके हम और कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो वो भी दे सकते हैं और मुझे नहीं देना है इसलिए मैं एंटर दे देता हूँ। क्वांटिटी मान लीजिए 20 है, रेट 8000 है, एंटर करूंगा तो देखिए अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। एंटर करेंगे। अब मुझे कोई भी आइटम नहीं चाहिए, मुझे एक ही आइटम चाहिए। मुझे दूसरा आइटम चाहिए तो मैं दोबारा से स्पेस बार देके लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम से आइटम को सिलेक्ट कर सकता। अगर मुझे नहीं चाहिए तो एंड ऑफ लिस्ट या एंटर देके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जैसे एंटर करूंगा अब मुझे इसमें अपने GST के लेजर्स लगाने होंगे। अब चूंकि मुझे पता है कि ये जो परचेज है ये एक लोकल परचेज है तो लोकल परचेज में क्या लगेगा, CGST। देखिए CGST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। एंटर प्रेस करेंगे। दूसरा लेजर लोकल परचेज में कौन सा लगता है, SGST। एंटर कर देंगे तो ये हमने CGST और SGST का लेजर हमने लगा दिया। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द रेट्स, जो हमने रेट स्टॉक आइटम में दिए थे उस रेट के हिसाब से, उस GST रेट के हिसाब से CGST SGST टैली ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। आपको बस ध्यान रखना है कि ये CGST SGST जो आपके बिल में है वही है कि नहीं, ठीक है। एंटर करेंगे। अभी हमें GST
ई वे बिल की डिटेल हमें नहीं डालनी है, इसको हम नो करेंगे। टोटल अमाउंट और क्वांटिटी हम नीचे मैच करा लेंगे। और अगर हम इसका प्रिंट देखना चाहते हैं तो ऑल्ट, अगर हम इसका प्रिंट देखना चाहते हो तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे या ऑल्ट पी दबाएंगे। अब देखिए इसमें इसको हम यस करेंगे तो ये प्रीव्यू मुझे दिखाई देगा, ऑल्ट जेड करेंगे तो जूम हो जाएगा। तो जूम करके आप देख सकते हैं कि ऊपर सप्लायर का नाम आएगा, उसका जीएसटी नंबर आएगा और नीचे कंसाइनी में हमारा नाम आ जाएगा, मतलब ये पार्टी ने हमें बिल दिया हुआ है। यहाँ पे इनवॉइस नंबर, सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। डेट आ जाएगी, यहाँ पे आइटम का नाम आ जाएगा, जो भी डिस्क्रिप्शन अगर आपने कुछ दिया होगा एडिशनल वो यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देने लगेगा। क्वांटिटी आपको देखेगी, रेट दिखेगा, अमाउंट दिखेगा, सी जी एस टी एस जी एस टी दिखाई देगा। तो ये एक बिल परचेज इनवॉइस है जो हमने सीखा है। वापस से अगर हमें इसको टैली में जाना तो एस्केप दबाएंगे और फिर से एस्केप दबाएंगे। इस बिल को सेव करने के लिए हमें कंट्रोल ए या एंटर 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 करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। ई वे बिल को मैं नो करूँगा, एंटर करूँगा, एंटर करूँगा, इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। तो ये मेरी एक परचेज रिकॉर्ड हो जाए। आज के वीडियो में मैंने आपको सिंपल परचेज इनवॉइस रिकॉर्ड करना सिखाया। नेक्स्ट वीडियो में एडवांस परचेज हम देखेंगे। सो तब तक के लिए सी यू ट्विटर, बाय बाय। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।